तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7, बहुत ही कड़कड़ाती ठंड और ये दिल्ली की ठंड है। और अभी हम लोग निकले हैं इस्मान द्वारका के लिए, मतलब अभी बस आई नहीं है, थोड़ी देर में आने वाली है। बोला गया था कि 7 बजे बस आ जाएगी और मैं 7 बजे से यहाँ पे आके खड़ा हुआ हूँ। और हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन द्वारका बहुत ही स्पेशल एक सेमिनार के लिए बाय वन एंड ओनली हिजकृष्ण अमोघ लीला प्रभु जी। सो देखते हैं, डिबोटीज अभी आने वाले थोड़े देर में और बस यहाँ पे आएगी अभी। तो ये आ चुकी है हमारी बस। अरे बो, कहाँ है आलोक प्रभु, नहीं आए क्या अभी? पीछे किधर है? तो आज डीओटी काफी एक्साइटेड हैं इस सेमिनार को लेकर जो कि एग्जाम्स के ऊपर होने वाला है। जय हो, हरिबो। तो अब हम करने वाले हैं एक धमाकेदार कीर्तन और वो भी बस में। तो ये है हमारे बीच में हिज ग्रेस सर्व पूज्य प्रभु जी जो कि बहुत ही अच्छा कीर्तन करते हैं और इस्कॉन दिल्ली में ब्रह्मचारी हैं। पहुंच चुका है इस्कॉन द्वारका धाम में। तो अभी हमारे बीच में इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी आने वाले हैं, लेक्चर के टाइम पे, इतनी जल्दी नहीं। और ये आई है बस जो है यूथ फास्ट ट्रैक, जो है यूथ फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट्स हैं इस ग्रेस विज्ञान प्रभु जी के, और सुल्तानपुर बेसिक कुछ ड्यूटीज हैं और मैं अकेले टोनी से। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। जल्दी सेटअप कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी सेटअप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन के लिए और उसके बाद फिर बैठेंगे हम हॉल में जहाँ प्रोग्राम होने वाला है। और ये है मेन गेट। यहाँ पे हैं श्रील प्रभुपाद जी। हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। ये है श्री श्री गौर निताय जी और ये है श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश जी और यहाँ पे बैठे हैं जग्गू बल्लू और सुभद्रा महारानी जी। कृष्णा, तो इन ठंडी ठंडी हवाओं की हिलोरियों के बीच में हमें अभी प्रसाद पाने को मिलेगा। तो अभी हम लोग पहले प्रसाद पाने वाले हैं
देन आफ्टर वी विल गो फॉर लेक्चर। और हम लोग हैं टेरेस पे, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में, आज प्रसाद का आनंद। ये देखिए, यद यद आचरती श्रेष्ठा, हमारे लीडर्स प्रसाद लेट से पाते हुए और इसी दुर्भाग्यवश उन्हें जो है पनीर नहीं मिला। इनके चेहरे के जो मुस्कान के पीछे का जो दर्द है ना, समझना बड़ा ही मुश्किल है। भक्तों से निवेदन है, पेट भर के आकंठ प्रसाद पाएं, क्योंकि इस वर्गा के टेंपल हॉल पे ये जो है लेक्चर होने वाला है। और अभी थोड़े देर में हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी आने वाले हैं, और फिर खत्म हो गया है। और अमोघ लीला प्रभु जी को कहीं जाना था तो वो बहुत ही जल्दी में थे और चले गए, जिससे हम मिल नहीं पाए अभी उनसे। तो ये लेक्चर बहुत ही जल्दी आने वाला है माई आस्ट्रा चैनल पे, तो वहाँ पे जाके देखिएगा। और अभी हम लोग निकलेंगे वापस अपने अपने घर की ओर, और अभी करने वाले हैं फिर से एक बार दर्शन, और फिर जाके बैठने वाले हैं बस में। तो अभी हमारे बीच में इसके आलोक हरि प्रभु जी हमें बहुत ही जबरदस्त स्वीट प्रसाद लाने वाले, से स्वीट्स नहीं मिलने वाले।
ये है गोविंदा जिया का। यहाँ पे बहुत ही वैरायटीज में आपको स्वीट मिलेंगे, यहाँ पिज्जा भी है। बाबू जी चल रहे हैं क्या? उठा लो ना वाला, उठा लीजिए उठा लीजिए। कितने का? 20 रुपए में दौड़ का सकते हैं। 13 हमारा जो मंदिर है सबसे बड़ा है। सो फाइनली वी आर इन बस, हम जा रहे हैं वापस अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर। और आइए जानते हैं कुछ भक्तों से उनके रियलाइजेशन की, हाउ वाज टुडेज लेक्चर एंड हाउ वाज इंटरेक्शन विद हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिज ग्रेस आलोक हरि प्रभु जी से। आलोक हरि प्रभु, आप बताइए आज का जो प्रोग्राम था या जो सेमिनार था, बताइए कि उसका समरी कैसा रहा? वेल, समरी इज अनदर साइड, बट द थिंग इज जिनसे मिलने गए थे, जिनका हमने लेक्चर सुना है, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी इज सच अ सीनियर वैष्णव, उनका संग पाकर के हम लोग से बहुत ही कृतार्थ हुए हैं और उससे काफी कुछ सीखने को मिला। उनके दर्शन मात्र से हम सभी भक्ति का संचार भी हुआ है। सो आई रियली विश जितने भक्त उनके दर्शन किए और उनका हमने लेक्चर सुना, कृष्ण कथा भी थोड़ी कुछ किया हमने, तो आगे चलकर हमारे जीवन में दिखे। और मेरी डिवोटीज गेट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, सो एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। आई रियली प्रे उन सभी एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं और इट शुड बी फिल्ड विद सो मच एंथुसियाज्म, सो मच डिटर्मिनेशन और स्टडी है बहुत अच्छे तरीके से हो। तो चले आइए सबसे पहले राहुल प्रभु की तरफ चलते हैं। जय हो। बताएंगे इनको कैसा लगा है। अरे बोल राहुल प्रभु, बताइए दो शब्दों में बताइए आज का कैसा रहा सेमिनार? इट वॉज वेरी गुड एंड इट वॉज फुल ऑफ जॉय एंड विजडम। अरे बोल। और सार्थक प्रभु। सार्थक प्रभु बहुत अच्छा लगा। और हमारे बीच में है अवधेश प्रभु। अवधेश प्रभु कुछ बताएंगे आज के सेशंस के बारे में। मैं पहली बार द्वारका टेम्पल आया हूँ, जो अंदर गया हूँ, श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश जी के पहली बार मेरे दर्शन किए, जो एक्सपेक्टेशन था उस पर बिल्कुल खड़े उतरे। अमोघ लीला प्रभु को मैंने कई बार विवाह सत्संग पे देखा था बोलते हुए, एक बार दिली इच्छा थी कि उनको मैं लाइव देखूं और आज मैं काफी नजदीक बैठ पाया भगवान की कृपा से। बहुत अच्छा लगा उनका संग पाके उनसे। तो आज के लेक्चर का कोई स्ट्राइकिंग पॉइंट जो लगा आपको? स्ट्राइकिंग पॉइंट मुझे यही लगा कि हम लोग सब गधों की तरह यू नो मटेरियल लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि एग्जैक्टली गोल क्या है, हमें रुकना कहाँ पे है। तो स्पिरिचुअल लाइफ आपको ये सिखाती है कि आपका एंड कहाँ पे है, और जैसे प्रभु जी ने बताया कि देन ही लिव्स देयर आफ्टर फॉरएवर हैप्पीली देयर आफ्टर फॉरएवर। हमें ये चीज पता होना चाहिए कि हमारा जो गोल है इस मटेरियल बॉडी को छोड़ने तक का नहीं है, इसके बाद जो असली सफर है उसके लिए हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। हरे कृष्ण। चलो आके और लेके चलते हैं अवधेश प्रभु, हमें लेके जाएंगे भक्तों के बीच में, उनसे रियलाइजेशन सुनेंगे। ये हमारे चेतन प्रभु। अरे बो चेतन प्रभु, बताइए आज के सेमिनार के बारे में कुछ। अच्छा सेमिनार, मेरा तो पहला ही सेमिनार था। ओके। आज जो लेक्चर सुना मैंने लीला प्रभु का, उसमें सबसे मेरे को अच्छी बात ये लगी कि जो एक स्टूडेंट का जो मटेरियल चाहिए होता है ना पढ़ाई के लिए, सबसे जो बेसिक उसको जो चाहिए होता है, जो पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, आज उन्होंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया है। और उनको मेरे को सबसे अच्छी बात लगी पढ़ाई कैसे करनी है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। कि हमें यहाँ पर जीने का तरीका सिखाया जाता है कि कैसे जिए, भक्ति करे। प्रभु जी अद्भुत। हरी बोल। हरी बोल। काफी उत्साह। एक शब्द में हरी बोल अद्भुत। कुछ बताइए प्रभु, आप बताइए। आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, हमारे पहली बार था इसलिए। आप कब से जुड़े इस कौन से, कैसा लगता है और भक्तों के सांग में आके? बहुत अच्छा लगता है, नई चीजें सीखने को मिलती है। अच्छा प्रभु जी बताए, बहुत अच्छी उनकी बात लगी कि ज्यादा खाना जरूरी नहीं है, ज्यादा पचाना जरूरी है। तो कोई फायदा नहीं हुआ, बस एक दिन के संग कीर्तन से शांति मिली, मन शांत हुआ, अगले दिन बहुत अच्छा गया। भक्तों का जो संग है बहुत ही ब्लिसफुल होता है। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अगर आप भक्तों के संग में चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग सारी चीजों को बहुत इजी वे में हम बैलेंस कर सकते हैं अपने लाइफ में। आप भक्तों के रियलाइजेशन से देख सकते हैं कि कैसे बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र एंड बाय रीडिंग वन श्लोका डे और भगवत गीता, इट्स मेक आवर लाइफ वेरी ब्लिसफुल। तो आप सभी के रिक्वेस्ट है कि आप भी भगवत गीता का पाठ करें, है ना, रोज एक श्लोक पढ़े, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, और जब भी आपको मौका मिले भक्तों के संग में आने का जरूर ट्राई करें। बिकॉज श्रील प्रभुपाद जी सेज इन हिज लास्ट मोमेंट दैट व्हेन यू गेट द चांस ऑफ एसोसिएशन विद डिवोटी जस्ट गो फॉर दैट। हरे कृष्णा।